हेलो एवरीवन, मेरा नाम राज, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी सारे लोगों का डिमांड ऐसे था कि हमें तो चाहिए प्रॉपर्टी नियर बाय स्टेशन, 2 BHK फ्लैट चाहिए, बड़ा सा फ्लैट चाहिए, बालकनी होना चाहिए, ओपन टेरेस होना चाहिए, साथ ही साथ EMI कम आना चाहिए, कम डाउन पेमेंट देने पर मिल जाए 2 BHK। तो ऐसे प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हो तो इस वाले फ्लैट को आप देख लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 720 स्क्वायर फीट का 2 BHK का फ्लैट रहेगा। बिग साइज का 2 BHK फ्लैट है दोस्तों, लेकिन बहुत ही छोटा प्राइस में आपको मिल रहा है। EMI भी आपका ज़्यादा EMI नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 BHK और 1 BHK दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप जाएंगे 1 BHK ओपन टेरेस तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, 2 BHK ओपन टेरेस वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे शानदार सा 2 BHK। दूसरे जगह पर ऐसे वाले फ्लैट नहीं मिलेगा जिस प्राइस में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ दोस्तों। और नियर बाय स्टेशन है, रेडी टू मूव में है, OC रिसीव है दोस्तों, रेडी पोजिशन, काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए भी आ चुके हैं। आप भी पोजिशन तुरंत ले सकते हो, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है वैसे ही आप पोजिशन ले सकते हो। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो का आप लोग देख लीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहे। सबसे पहले आपको मिल जाएगा लिविंग। अगर इसकी मैं साइज की बात करूं तो अप्रोक्स ये कितना रहेगा आपका, 15 फीट के आसपास रहेगा आपका ये लिविंग दोस्तों। 15 फीट आपका ये लंबाई में आपको 15 फीट मिलेगा, ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट के आसपास। तो 9 बाय 15 के आसपास का ये हो गया आपका लिविंग दोस्तों। जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है आपका सेकेंड फ्लोर पर दिखा रहा हूँ, फिलहाल ये ओपन है फ्लैट, इसकी वजह से मैं सेकंड फ्लोर पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जो मिलेगा थर्ड वाला फ्लोर पे मिलेगा। पूरा वीडियो को देखिए, पूरा जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, 1 BHK डाउन पेमेंट, EMI, वो सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सीलिंग आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का आपको सीलिंग मिल जाता है, प्लेन वाला ही सीलिंग मिलेगा, लेकिन हम आपको फाइनल कलर वगैरह क्लीनिंग वगैरह करके पोजिशन के वक्त दे देंगे। इस तरफ अगर आप आओगे तो इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका बालकनी, इसे हम ओपन टेरेस ही कहेंगे क्योंकि बालकनी जो रहता है वो आपका अप्रोक्स 2 फीट के आसपास रहता है, लेकिन आप साइज़ इसका देख सकते हो, अप्रोक्स ये जो आपका रहेगा 7 फीट के आसपास लंबाई रहेगा ऐसे में, और ऐसे में आपको 9 फीट के आसपास मिलेगा। तो बड़ा सा ये आपको मिल जाता है ओपन टेरेस। अगर आप चाहते हो सुबह शाम चाय का मज़ा लेने के लिए तो ईजिली आपका यहाँ पर एक टेबल आ जाएगा दोस्तों, दोनों तरफ आपका दो दो यानी कि 4 चेयर के साथ में आप इजिली यहाँ पर एक टेबल सेट कर सकते हो। बाकी जगह में आपको एक कुर्सी रखने का भी जगह नहीं मिलता। अगर आप चाहते हो यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखना है तो भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है एक आपको पावर पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर किचन का जो बालकनी है उसमें भी रख सकते हो, क्योंकि किचन का जो बालकनी है वो भी आपका बड़ा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाहर का व्यू आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का आपका बाहर का व्यू मिल जाता है। पास से हाईवे गुजरता है जो कि नेवी मुंबई की तरफ चला जाते हैं, सीधे आप 1 घंटा 10 मिनट के आसपास का ड्राइविंग डिस्टेंस में आप नेवी मुंबई पहुंच जाएंगे। राइट साइड से अगर आप जाओगे तो ठाणे, कल्याण वगैरह जाना है, भिवंडी, मुंब्रा वगैरह जाना है, तो आप इजीली राइट वाले हिसाब से आप सीधे चला जाएंगे। बिल्कुल रोड टच प्रॉपर्टी है, रेडी पोजिशन है दोस्तों, G+3 का बिल्डिंग है, OC भी मिल चुका है, काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। जिस प्राइस में मैं आप सभी को लेके आया हूँ ये वाला जो फ्लैट है, दूसरे जगह पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे जगह पर विजिट किया है, तो इस प्राइस में ये वाला एरिया तो नहीं मिलने वाला है। इस तरफ अगर आप आओगे तो इस तरफ आपको मिल जाता है आपका बेडरूम। ये बेडरूम का साइज़ भी आप देख सकते हो, अप्रोक्स ये जो बेडरूम है आपका 10 फीट के आसपास लंबाई है, ऐसे में आपको 9 फीट के आसपास मिल जाएगा ये वाला आपका बेडरूम। ये तो हो गया आपका फर्स्ट नंबर बेडरूम। जो दूसरा वाला बेडरूम है वो तो उसमें आपको बालकनी भी मिलता है, खैर इसमें फर्स्ट नंबर बालकनी में आपको फर्स्ट नंबर बेडरूम में आपको बालकनी नहीं मिलता है। इस तरफ अगर आप आओगे तो इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका पैसेस, ये रहा दोस्तों, ये है आपका पैसेज। लंबाई में ये 9 फीट के आसपास आपका लंबाई रहेगा, ऐसे में आपको 3 फीट के आसपास यूज़ करने के लिए मिलेगा ये वाला आपका पैसेज। ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए जगह मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो 500 लीटर का आप यहाँ पर टैंक इजीली रख सकते हो। बाकी का एरिया अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखना है तो भी रख सकते हो। अगर आपको इन्वर्टर वगैरह सेट करना है तो कॉर्नर पर आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा, इन्वर्टर भी आप यहाँ पर रख सकते हो। नीचे आपको मिल जाता है आपका बाथरूम, देख लीजिए यह है आपका बाथरूम। साइज आप देख सकते हो 6-7 फीट के आसपास लंबाई है, ऐसे में आपको 4 फीट के आसपास मिल जाता है। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लगाकर दिए गए हैं, बैक साइड में आपका रहेगा विंडो, फिटिंग वगैरह हो चुका है, वॉश बेसिंग आपको अंदर ही एक मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका टॉयलेट को, इस तरफ अगर आप आओगे तो इस तरफ आपको मिल जाएगा टॉयलेट 4 फीट के आसपास ऐसे में रहेगा, ऐसे में आपको 3 फीट, तो 3 बाय 4 के आसपास ये हो गया आपका टॉयलेट। अगर आप चाहते हो वेस्टर्न तो वेस्टर्न भी सेट कर सकते हो, हर वीडियो की तरह आपको एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देना पड़ेगा। वॉल टू वॉल ब्यूटीफुल टाइल्स यहाँ पर आपको लगा कर दिए गए हैं, बैक साइड में आपका रहेगा विंडो। अब हम चलते हैं किचन की तरफ, किचन आप देख लीजिए, किचन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, बिग साइज का आपको मिल जाएगा यहाँ पर
किचन दोस्तों साइज बहुत ही अच्छा खासा है। अगर मैं ऐसे लंबाई की बात करूँ तो 9 साढ़े 9 फीट का आसपास ये आपका लंबाई में आपका किचन है। ऐसे में प्लेटफॉर्म छोड़ के यूज़ करने के लिए आपको 5 फीट मिलेगा और लंबाई में ये 9 साढ़े 9 फीट का आसपास आपको मिल जाती है ये वाला किचन। कॉर्नर पे अगर आपका फ्रिज आ जाता है तो बाकी का एरिया पूरा आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर किचन में एंट्री करेंगे तो सामने आपको मिल जाता है ये वाला प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन आपको पोजीशन के वो पूरा ये सारे एसी वॉश वगैरह करके दे दिया जाएगा तो किचन आपका और भी शाइन आ जाएगा। पानी आपको मिल जाएगा यहाँ पर 24 आवर्स, ग्राम पंचायत कनेक्शन पीने का पानी आपको मिल जाएगा। देख लीजिए ऊपर आपको यहाँ पर कोटमाला भी दिए गए हैं। अगर आप चाहते हो कुछ कैबिनेट वगैरह बनाना है तो आप यहाँ पर कैबिनेट भी बना सकते हो, तो सामान आपका ऊपर ही चला जाएगा। इस तरफ अगर आप आओगे जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको मिल जाएगा बालकनी, बड़ा सा बालकनी है, 2.5 फीट का आसपास का बालकनी है। ऐसे में आपको मिल जाएगा कितना 7 साढ़े 7 फीट के आसपास लंबाई में, ऐसे में आपको 2.5 फीट के आसपास। 2 फीट में होता है ऐसे कि वॉशिंग मशीन आपका प्रॉपर तरीके से बैठता नहीं है, लेकिन ये 2.5 फीट है प्रॉपर तरीके से। कॉर्नर पे आपका इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वाटर कनेक्शन है, ऑलरेडी है यहाँ पर वाटर कनेक्शन, तो सिर्फ यहाँ पर पावर पॉइंट लाना बाकी है। बाकी वाटर कनेक्शन तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, तो आप यहाँ पर इजिली आपका वॉशिंग मशीन आ जाएगा। वरना अगर आपको लिविंग में रखना है तो लिविंग में काफ़ी बिग साइज़ का ओपन टेरेस है, वहाँ पर भी आप रख सकते हो। बाहर का व्यू आपने देख लिया, किचन का बाहर का जो व्यू है, आसपास में जो है वो छोटे मोटे आपको यहाँ पर बिल्डिंग नज़र आ जाएगा। आसपास में छोटे मोटे बंगलो यहाँ पर बनाकर दिए गए जो कि लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा विलेज टाइप का है और ऐसे इतना आपको सिटी के तरह देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि शेलू जो है वो जस्ट अभी डेवलप हो रहा है। तो अभी सब कुछ देख लिया आपने और इस तरफ अगर आप आओगे तो इस तरफ आपको मिल जाता है आपका बेडरूम। देख लीजिए ये है आपका सेकंड नंबर बेडरूम। बेडरूम का साइज़ आप देख सकते हो, ऐसे में आपको 9 फीट मिलेगा। ऐसे में आपको कितना मिलेगा अप्रॉक्स, ये 8.5 फीट का आसपास मिलेगा। 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट, 9 फीट, 9.5 फीट, 9.5 फीट, ऐसे में आपको 9 फीट के आसपास मिल जाता है ये वाला आपका बेडरूम। दोस्तों एक रफली मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से ताकि आपको पता चल जाए दोस्तों। बाकी कैसे वीडियो में कुछ चीज़ें बड़े भी दिखते हैं, कुछ चीज़ें छोटे भी दिखते हैं, तो मैं काउंट करके बता देता हूँ तो एक आपको आइडिया लग जाता है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो 4x5 के आसपास का एक आपको विंडो इस तरफ आपको मिल जाता है, एक और विंडो आपको इस तरफ मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। ये है आपका विंडो प्लस आपको यहाँ पर मिल जाता है बालकनी। लिविंग में आपको ओपन टेरेस मिल गया, इसे भी आप ओपन टेरेस ही बोल सकते हो क्योंकि 4 फीट ऐसे लंबाई में ये कम से कम 10 फीट के आसपास रहेगा ये वाला आपका बालकनी। यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से ग्लास दिए गए हैं ताकि बालकनी का जो लुक है ना वो बहुत ही बाहर से जो देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों बाहर का व्यू आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का बाहर का व्यू रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया पास में आपका हाईवे है, रेलवे स्टेशन आपका बिल्कुल पास में ही है। अगर आप ट्रैक से जाएंगे तो आपका 2 से 3 मिनट पर आप पहुँच जाएंगे, 2 से 3 मिनट पर आप यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। अगर आपको हाईवे से जाना है तो हाईवे ये वाला जो फाटक है इसे क्रॉस करेंगे तो आपका हाईवे से आप सीधा चला जाएंगे, 2 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस में आपका रहेगा आपका रेलवे स्टेशन। दोस्तों बहुत ही प्राइम लोकेशन है, G+3 का बिल्डिंग है। दोस्तों लिफ्ट नहीं है इस वाले बिल्डिंग पर, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ लिफ्ट नहीं है इस वाले बिल्डिंग पर। 3 माले का बिल्डिंग है, जो फ्लैट आपको मिलेगा 3rd फ्लोर पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अब काफ़ी सारे लोगों को ये भी डाउट रहेगा 3rd फ्लोर है तो टेरेस का लीकेज का प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ए विंग और बी विंग है दोनों में ही शीट वगैरह डाल के रख दिया है, तो एक बूंद भी पानी का कतरा नीचे नहीं आएगा आपका टेरेस में। तो शीट डालने का यही फ़ायदा होता है कि टेरेस जो है उसमें लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हालांकि हो जाता है 8 साल 10 साल या फिर 5 साल बाद में लीकेज का प्रॉब्लम आ ही जाता है अगर अच्छी तरीके से वाटरप्रूफिंग नहीं किया हो तो। तो कैसे अभी शीट वगैरह डाल दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3rd फ्लोर पे आपको मिल जाएगा 720 स्क्वायर फीट का 2 BHK का रहेगा। 1 BHK यहाँ पर आपको मिल जाएगा 590 स्क्वायर फीट का, वो भी आपका ओपन टेरेस ही रहेगा। अगर आपको 1 BHK में जाना है तो 17,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन के साथ में मिल जाएगा, और 2 BHK अगर आपको लेना है दोस्तों 21 लाख विथ रजिस्ट्रेशन के साथ में ये वाला फ्लैट आपको मिल जाएगा जो कि आपका 3rd फ्लोर पर रहेगा। डाउन पेमेंट आप 10% डाउन पेमेंट दे सकते हो, 1 BHK के लिए 1.5 लाख 2 लाख के आसपास आपका डाउन पेमेंट आएगा, और 2 BHK के लिए कम से कम आपका 2 से 2.5 लाख के आसपास आपको डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा सिविल इनकम बैंक आपको कितना लोन देता है। सेम फ्लैट मैंने 24 लाख 25 लाख में भी दिखाया, लेकिन यहाँ पर आपको 21 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में मिल जा रहा है 2 BHK का फ्लैट। आप प्रॉपर्टी कहाँ पर है, शेलू रेलवे स्टेशन से आप 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में ही है प्रॉपर्टी। दोस्तों प्राइम लोकेशन है, रोड टच है, और जैसे कि आपने देखा बिल्कुल रेडी टू मूव में, फाइनल कलर
वगैरह क्लीनिंग वगैरह करके हम दे देंगे। 1 BHK EMI अप्रॉक्स 13-14 हज़ार के आसपास EMI निकल के आएगा अगर आप 2 लाख के आसपास डाउन पेमेंट देते हो तो। और 2 BHK अप्रॉक्स आपको 16-17 हज़ार के आसपास EMI पे करना पड़ेगा। 15-20 साल के लिए आप ले सकते हो, डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितने लोन देता है, कितने साल के लिए देता है। तो उम्मीद करता आज के वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप सभी लोग को मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।